मित्रों, श्री रामचंद्र जी के इतिहास से एक बहुत ही गहरी बात निकलकर सामने आती है। वैसे तो आप सभी को श्री रामचंद्र जी की जीवनी मालूम है, पर आपने यह बात नोटिस नहीं की होगी। अगर आपने आज की इस वीडियो में यह बात समझ ली तो आपकी जिंदगी में काफी बदलाव आ जाएंगे। तो मित्रों, आपने एक बात नोटिस की होगी कि भगवान राम ने साधारण मानव के रूप में जन्म लिया, और भगवान राम अपने संघर्षशील जीवन में आगे चलकर जब रावण से लड़ने गए तब भी वह अपने साधारण और संस्कारी बने रहने का परिचय देते हैं। पर दूसरी तरफ आप रावण को देखिए, उसने तो काल को भी अपने सिंहासन पर बांध कर रखा। इसके अलावा समस्त देवताओं तक बंदी बनाकर रखा हुआ था। बुद्धि बल राजपाट यहाँ तक कि अमराज को तक बंदी बना लेने के बाद भी रावण को आखिरकार अंत समय में राम जी के हाथों से मरना पड़ा। यहीं पर खास बात हम सबके सामने निकल कर आती है कि आप हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते रहिए, अपने संघर्ष को महत्व दीजिए, अपने विचारों को पवित्र रखिए और सही रास्ते पर हमेशा चलते रहिए। आप अपने जीवन में किसी भी जगह पर फेल नहीं हो सकते, चाहे अनगिनत शत्रु आपका रास्ता रोक कर रखे हुए हो, मतलब दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, बस आपका रास्ता सही हो। अगर आपको आज की यह जानकारी समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट में लिखकर बताएं और इस खास जानकारी को अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं।